भाई रफ़ीक भाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। उनकी उम्र बहुत लंबी हो, हमसे भी ज़्यादा, बस यही कहना चाहूँगा। हेलो दोस्तों, मैं सूरज के शाह, मेरी तरफ से रफ़ीक सर को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीक भाई का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। रफ़ीक भाई का मैं हेयर स्टाइलिस्ट, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या शुभकामनाएं देंगे आप आज बर्थडे पर रफ़ीक से? मैं रफ़ीक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं गजेंद्र गुजराज, फिल्म एक्टर गजेंद्र गुजराज, और मैं अभी बलम जी लव यू कर रहा हूं। फिल्म में खेसारी जी को मैं बूस्टअप करता हूं फिल्म में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं ऐसे वक्त पे मुंबई आया हूँ जहाँ मैं चिंटू जी के साथ बैठा हूँ, प्रदीप जी के साथ, श्रेया मिश्रा जी के साथ हूँ, अपने भाइयों के साथ हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे बीच में अभिषेक जी हैं जो फिल्म को एडिट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि अभिषेक हमारे बीच में काफ़ी आगे निकल गए हैं। बीच में रज्जू भाई हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे भी बहुत आगे बढ़ने में मुझे बहुत मदद किया। आनंद जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर मुझे आज रफ़ीक भाई का बर्थडे है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज इनके बीच में बैठा हूँ। मैं इनके साथ काम तो नहीं किया हूँ, बट ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि अगर आने वाला कोई ऐसा वक्त होगा कि मैं रफ़ीक जी के साथ काम कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत घमंड की बात होगी। आप इस तरह से विश करेंगे आज? मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और रिफ्लेक्शन पिक्चर्स की तरफ से रफ़ीक सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरह से रफ़ीक सर ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे इतनी बड़ी फिल्म दी जो मेरी पहली फिल्म थी, और इससे पहले मेरी दुल्हन चाहे पाकिस्तान 2 का मोशन पोस्टर हम लोग ने रिलीज किया है, और उसी को देखते हुए रफ़ीक सर की मैंने लगभग लगभग अभी फाइनल पे है फिल्म। और रफ़ीक सर जिस तरह से ट्रस्ट और जिस तरह से उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बार रफ़ीक सर का यही प्यार और यही मुझे भरोसा मिलता रहेगा कि आगे मुझे बूस्टअप करते हैं हर एक मामले में कि तुम ऐसे करो वैसे करो। और सबसे बड़ा योगदान मुझे बूस्टअप मेरे भाई जो बहुत ही दिल के करीब हैं, प्रदीप आर पांडे, चिंटू भैया, साथ में लालजी भैया। और एक और फिल्म मैं कर रहा हूँ अभी, बलम जी लव यू, जिसमें खेसारी जी हैं और जो प्रोड्यूसर हैं मेरे आदर्श पिता तुल्य आनंद जी, और साथ में रज्जू जी और एक और फिल्म मेरी आ रही है याली बजरंगबली, जिसका VFX कंप्लीट हो चुका है, रफ़ीक सर उसके डायरेक्टर हैं, और आने वाली 2-4 फिल्मों में शायद मैं साइन हो जाऊं रफ़ीक सर की, उम्मीद करता हूं। जिस तरह से उनका प्यार मुझे मिलता रहता है और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर मैं कहीं फंसता हूं तो मैं रफ़ीक सर को याद करता हूं। और मेरी यही दुआ है कि रफ़ीक सर बहुत लंबी उम्र, हमारी भी उम्र रफ़ीक सर को लग जाए, और हम लोग साथ में काम करते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। 11:30 बज रहे हैं जी, किसकी पार्टी में आप हैं? पार्टी के बारे में बताएं। सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चहेते उनके अपने हीरो प्रदीप पांडे छिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा। और आज एक बहुत ही हमारे बहुत ही मेरे बहुत ही अजीज़, मेरे बहुत ही करीबी और मेरे वन ऑफ द फेवरेट इंसानों में से मेरे ब्रदर रफ़ीक लतीफ़ शेख जी का जन्मदिन है, और आज इस शुभ अवसर पर, आज इस खूबसूरत से मौके पर, फंक्शन पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, कुछ जो खास लोग हैं जो हमारे बहुत करीबी, वो सभी लोग मिलकर आज उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं। और मैं दिल से रफ़ीक जी को ये बहुत बहुत उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो ऐसे ही चमकते रहें। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में एज अ DOP किया है, और पहली बार उन्होंने निर्देशन का कमान थामा है जिस फिल्म का नाम है या अली बजरंगबली, जिसके इंटरव्यूज़ आप लोग काफ़ी देख चुके हैं पहले भी, और जिसकी शूटिंग चल रही है काफ़ी बड़े पैमाने पर, काफ़ी खूबसूरत पैमाने पर, काफ़ी खूबसूरती के साथ, काफ़ी बड़े लेवल पर सिनेमा का निर्माण कार्य हो रहा है, और जिसके डायरेक्टर हैं वो खुद रफ़ीक जी। और मैं बोलना चाहूँगा कि पहली बार चिंटू आप सबको डबल रोल में नज़र आने वाले हैं, डबल धमाका में नज़र आने वाले हैं, डबल एंटरटेनमेंट में नज़र आने वाले हैं। सब कुछ डबल होने वाला है क्योंकि उसमें दो चिंटू हैं। एक चिंटू जब आप लोग को इतना एंटरटेन करता है तो उसमें तो दो चिंटू हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा, एंटरटेनमेंट का डबल तड़का होगा, और उसी तड़के को मेंटेन कर रहे हैं हमारे रफ़ीक जी जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और आज उन्हीं का हैप्पी बर्थडे है, और इसी हैप्पी बर्थडे वाले माहौल में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं दिल से उनको बहुत सारा शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरी भी उम्र उन्हें लग जाए, और वो जो भी चाहें जीवन में वो हासिल करें, और इस सिनेमा को बहुत खूबसूरती से पूरा करें, और जल्द आप सबके बीच हो गया। थैंक यू।
जय बजरंग जो भी आपके लिए अपने अपने फिल्मों का नाम लिया, मैं चाहता हूँ कि अपने जो इधर चार पांच फिल्में करी उनके नाम के बारे में बताते हैं। अभी एक फिल्म बहुत ही खूबसूरत आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म है भोजपुरी की, सबसे महंगी और सबसे बड़े कैनवास की फिल्म आ रही है, बड़ी स्टारर फिल्म है मेरी, जिस फिल्म का नाम है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर उस फिल्म का निर्माण कार्य हुआ है। उस फिल्म का मोशन पोस्टर आप सब ने देखा ही है और आप सबकी प्रतिक्रिया जाने हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स देख कर और आप सबकी राय जानकर। बस उसके ट्रेलर बहुत जल्द आने वाले हैं, तो इंतज़ार करिए ट्रेलर का, बहुत बहुत बड़ा कुछ धमाका होने वाला है और बहुत जल्द बहुत शीघ्र वो सिनेमा रिलीज़ होने वाला है, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में होगी वो फिल्म। जब भी ये फिल्म लगे आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में तो जाकर ज़रूर देखिएगा, अपने पूरे परिवार पूरे दोस्त यार के साथ पूरे हुजूम के साथ पूरे गाँव के साथ जाकर सिनेमा हॉल में सिनेमा को देखिएगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि सिनेमा हॉल में जाकर देखिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को, हमारी जो इंडस्ट्री है काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी छोटा एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार को आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है, आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है और वो प्यार आपके सिनेमा में सिनेमा हॉल के माध्यम से ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री को जो फ़ायदा होता है, जिससे हम पैसे कमाते हैं, जिससे हम उस पैसे से जो हम अगला सिनेमा जो तैयार करते हैं वो पैसे सिर्फ सिनेमा हॉल से ही आते हैं, सिनेमा हॉल के माध्यम से आते हैं, YouTube से हमें कोई पैसे नहीं आते हैं। YouTube पर जब वो सिनेमा है तब देखिए, लेकिन YouTube के इंतज़ार में सिनेमा हॉल में मत जाइए, ऐसा नहीं, सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा को ज़रूर देखिए भाई, क्योंकि आप लोग के साथ से ही भोजपुरी यहाँ तक पहुँचा है, तो इस भोजपुरी को अगर आप लोग को और ऊंचाई तक लेके जाना है, हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, जितने भी भोजपुरी से सिनेमा से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सब लोग ये बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम इस सिनेमा जगत को, इस सिनेमा इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक लेके जाएं, तो इसमें आप सबके सहयोग का, आप सबके प्यार का बहुत ज़रूरत है, आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया करके अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर सिनेमा को देखिए, सिनेमा का आनंद सिनेमा हॉल में ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नमस्कार, हम श्रेया मिश्रा और अभी आप कौन कौन सी फिल्में करेंगे उसके बारे में? अभी मेरी फिल्में मिशन पाकिस्तान किया है मैंने, अर्जुन किया है और गदर 2 किया है, काफ़ी सारी फिल्में की है और अभी एक्चुअली मैं सिर्फ 2 ही फिल्म रिलीज़ हुई है मेरी। अभी कोई बात नहीं, अभी आप ये बता रहे हैं कि अब आप भोजपुरी को लेकर के कितनी सजग हैं और इसमें आप पार्टी में हैं और हमारे सर आनंद जी जो बलम जी लव यू के प्रोड्यूसर हैं, उनकी आने वाली फिल्म जो खेसारी काजल राघवानी और मैं भी हूँ उस फिल्म के अंदर, और बहुत जल्दी वो फिल्म आने वाली है आप लोगों के सामने। अनुराग भाई, आप भोजपुरी के बहुत जाने माने पर्सनालिटी हैं और आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस मौके पर आप इकट्ठा हुए और आप किस मौके पर आप शामिल हुए? मैं इस रफ़ीक लतीफ़ शेख के बर्थडे पे शामिल हुआ हूँ और मैं 2 फिल्म का अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एक है पहले रफ़ीक लतीफ़ शेख जी के किस चीज़ में आप शामिल हुए? बर्थडे में। अच्छा। सबसे पहले अभी जो आप जो बोलने जा रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि आज अगर आप बर्थडे पे शामिल हुए तो उनके लिए कोई गिफ्ट तो बनता है, कोई तोहफा तो बनता है। मैं उनको 2 गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक सबसे पहला गिफ्ट है कयामत से कयामत तक, जिसके अंदर चिंटू पांडे हीरो रहेगा और डायरेक्टर रफ़ीक लतीफ़ शेख, और दूसरी पिक्चर में डायरेक्टर रहेगा रफ़ीक लतीफ़ शेख, इसका नाम है बिहारी छेरा रांची के लेला, उसमें हीरो सस्पेंस है, हीरोइन है श्रिया मिश्रा। ये तोहफे की शुरुआत कब से होने वाली है? बहुत जल्द। तो आप आज रफ़ीक जी के इस शुभ अवसर पर, इस बर्थडे के मौके पर आप उनको क्या बधाई देना चाहेंगे? मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाए, उनकी पिक्चर या अली बजरंगबली बहुत सुपरहिट हो जाए। हाँ, या अली बजरंगबली के बारे में कुछ बताइए। या अली बजरंगबली एक बहुत अच्छी पिक्चर है, चिंटू जी को उस पिक्चर में कहाँ से कहाँ ले जाएंगी, आफ्टर दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से वो पिक्चर उसके बाद ही रिलीज़ होने वाली है। वो फिल्म बहुत बड़ी है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, उसके बाद आएगी या अली बजरंगबली। आपको क्या लगता है कि चिंटू जी के साथ आप 2 फिल्में कर रहे हैं और या अली बजरंगबली कयामत से कयामत तक, तो आपको कैसा फील हुआ उनके साथ काम करके? चिंटू जी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और बहुत उम्दे आर्टिस्ट है, मैं उनके साथ हर टाइम पिक्चर करना चाहूँगा अगर वो करेंगे मेरे साथ तो। बिल्कुल, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।
रफीक सर आज बर्थडे आपका बहुत जोरों शोर से मनाया जा रहा है, दूसरी बात है आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, सबसे पहले तो मैं अनवर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये आज गेट टुगेदर एक हमारा एक छोटा सा एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और चिंटू जी आए हैं, मुझे प्यार करते हैं और मुझे एक आशीर्वाद देने या आप बोलो कि मुझसे विश करने के लिए आए हैं। चिंटू जी आए हैं, श्रेया जी आई हैं, आनंद जी आए हैं, अंसारी भाई आए हैं, लालजी यादव, सूरज शाह, हमारे मेहताब भाई आए हैं, और हमारे रिफ्लेक्शन के मालिक हमारे अभिषेक जी आए हैं, और राज जी वगैरह, ये सभी लोगों ने आज बहुत शुभेच्छा दी है और मेरा ये बर्थडे स्पेशल मनाया है। और आज बर्थडे के दिन अनवर भाई ने हमारी दो फिल्मों का अनाउंसमेंट किया है, एक तो ईश्वर फिल्म्स में उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, एक तो कयामत से कयामत तक और दूसरी फिल्म बिहारी छैला रांची की लैला, ये दो फिल्में उन्होंने लॉन्च की। और फिर एक बार प्रदीप पांडे चिंटू के साथ वापस एक दोबारा एक दूसरी फिल्म उन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो मेरे बहुत चाहते एक्टर हैं और बहुत मैं उनको पसंद करता हूँ एज ए ह्यूमन बींग और एज एन एक्टर, और आने वाले कल के सुपरस्टार है वो, और उनके साथ एक नहीं तीन फिल्में मेरी शायद लाइन से होंगी, तो उसमें अभी ये दूसरी फिल्म ये है या अली बजरंगबली के बाद मैं शायद उनकी ये दूसरी फिल्म है जो जल्दी लॉन्च हमारी जल्दी ये मुहूर्त वगैरह होगा, आगे का जो भी डिसाइड होता है, सब्जेक्ट वगैरह तो फाइनल है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और अभी अनवर भाई एज ए फुल फ्लैश प्रोड्यूसर ईश्वर फिल्म अब फिल्म लाइन में उतर रही है, और ऐसे साल में तीन फिल्में ये करने वाले हैं, उसमें से दो तो अनाउंसमेंट इन्होंने अभी कर दिया है, जो आज मेरे लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट है। जी एज ए डी ओ पी सफर शुरू किया था, उसके बाद डायरेक्टर एज ए डी ओ पी तो सफ़र किया था, बट आगे जाके अभी कुछ ना कुछ आगे एक मेरा एम था एज ए डायरेक्टर और कैमरामैन दोनों कैमरामैन और राइटर तरीके भी मैं अभी आगे आ रहा हूँ, बट मैं ये अली बजरंग बली में एज ए डायरेक्टर मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत फिल्म बहुत ही बढ़िया बनी है अब तक जितनी फिल्म बनी है, और आगे भी जो बननी है शायद अच्छी बनेगी, क्योंकि क्या बड़ी फिल्म है और बड़ा तामझाम है, इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब भी ये फिल्म का आउटपुट आएगा इंशाल्लाह पब्लिक को बहुत पसंद आएगा। लगातार दो फिल्म भी आप करने वाले, दोनों में आप बता रहे हो मतलब किस तरह के, जैसे कि आप हीरो लॉन्च कर रहे हो उनके साथ काम करके आपका, देखिए मैं दोनों मेरा तीसरा और एक प्रोजेक्ट भी है जो मैं उन्हीं के साथ करना चाहूँगा, तो मैं ऑलरेडी इनके साथ अलग अलग प्रोजेक्ट करूँगा, जैसे या अली बजरंग बली कर रहा हूँ ये टोटली अलग है ये, और जो कयामत से कयामत तक वो फिल्म अलग है, और एक एक फिल्म है जिसका मैं टाइटल मैं अभी नहीं दे रहा हूँ आपको, बट वो फिल्म भी मैं चिंटू के साथ ही करूँगा, उसका सब्जेक्ट अलग है, तो साल में तीन फिल्में करूँगा अगर मैं, तो तीनों फिल्में अलग करूँगा, शायद एक फिल्म इस साल आएगी, बाकी दो फिल्में मेरी अगले साल आए, बट हर फिल्म हर सब्जेक्ट अलग है, और जब भी मैं उनके साथ आऊँ तो मुझे ऐसा लगे लोगों को कि नहीं कुछ अलग लेके और कुछ अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तभी मैं उनके साथ करूँगा, बाकी ऐसे कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं करूँगा, जो भी करूँगा अच्छी फिल्में ही करूँगा साथ में। बस कुछ नहीं चाहूँगा कि या अली बजरंग बली जब भी फिल्म रिलीज़ हो तो आप लोग जाके थिएटर में देखिए फिल्म, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनाऊँ, और इंशाल्लाह फिल्म अच्छी बन भी रही है और बनेगी, बस खाली जब भी रिलीज़ होगी तो मैं चाहूँगा कि फिल्म जाके थिएटर में देखें। थैंक यू जी सर, आप आज रफीक शेख जी के बर्थडे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं रफीक शेख जी को बर्थडे की बधाई दूँगा, और मैं प्रोड्यूसर आनंद कुमार उंगटा बलम जी लव यू का प्रोड्यूसर हूँ, और एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, ये पारिवारिक पिक्चर बन रही है, और इस पिक्चर में गाने भी जो है बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, कहीं से पिक्चर जो है आपको एक अलग कैनवास की अलग तरीके की पिक्चर ये बन रही है, और मैं चाहूँगा कि सभी घर परिवार के बेटा बहू माँ बेटा बहू सभी लोग इस पिक्चर को देखने आवें, मेरी तमन्ना और मेरी इच्छा यही रहेगी इस फिल्म के बारे में। आपने रफीक शेख जी को गिफ्ट दिया कि नहीं है? बिल्कुल, रफीक शेख मैं यही गिफ्ट दिया हूँ रफीक जी को कि उनकी उम्र जो हमारी उम्र भी उनको लग जाए, मैं यही सबसे बड़ा गिफ्ट दूंगा। अनवर जी ने दो फिल्में दी, आप कितनी दे रहे हैं? अभी मेरी पहली फिल्म है बलम जी लव यू, आगे उम्मीद रहा तो अक्टूबर में या नवंबर में मेरी एक नई फिल्म की लॉन्चिंग होगी, जिसको मैं अभी क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, वक्त के अनुसार मैं उसको बताऊँगा। किस तरह कॉन्सेप्ट है आपका बलम जी लव यू, बताइए? बलम जी लव यू एक पहलवानी कुश्ती के ऊपर है, इसमें हीरो जो है एक हीरोइन से लव करना चाहता है, उस सिलसिले में ये पिक्चर है,
और उसी सिलसिले से बनाई गई है इस पिक्चर को। बाकी मैं पिक्चर लोग पब्लिक जब देखेगी हॉल में थिएटर में आके पिक्चर जब देखेगी तो पब्लिक को एक अलग कैनवास की पिक्चर दिखेगी। वो इस स्टार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताइए। मैंने खेसारी जी के साथ काम किया है। खेसारी जी बहुत ही नो डाउट बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और काजल जी भी इस मूवी में हैं और अक्षरा जी भी हैं, स्मृति जी भी हैं और भी दो चार कलाकार हैं जो अच्छे तरीके के कलाकार हैं और एक श्रेया मिश्रा जी को भी मैंने इनको लिया है। तो इस तरीके के कलाकारों से भरी हुई मूवी है और बहुत ही एक अच्छे तरीके की मूवी बनने वाली है ये। जी आप सुनिए, बर्थडे के मौके पर आप आए हैं रफीक सिंह जी का बर्थडे, तो क्या शुभकामनाएं? मैं तो हमेशा मतलब प्रचलित रहा हूँ शेर व शायरी में, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको एक बर्थडे जो विश करूँ मैं शेर व शायरी में ही करूँ। सजती रही खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, हमारे रफीक जी अपने लाइफ में इतना खुश रहे कि हर खुशी उनकी दीवानी रहे। यही मैं चाहूँगा कि रफीक जी हमेशा खुश रहे। और कुछ अपने बारे में बताइए, आपके कुछ प्रोजेक्ट ऐसे जो आ रहे हैं? आप मेरे और रफीक जी की फिल्म आ रही है या अली बजरंग बली, एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें चिंटू जी डबल रोल में, उसमें आप लोग देखेंगे चिंटू जी को। तो उसके बाद हम लोग एक और फिल्म कर रहे हैं जो अभी रफीक जी ने अभी उन्हीं के बारे में चर्चा कर ही रहे थे उस फिल्म को लेकर, टाइटल उन्होंने नहीं बताया लेकिन मैं भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन शायद वो भोजपुरी इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे अलग फिल्म होगी। साथ साथ में अभी हमारे अनवर जी ने एक और फिल्म अनाउंसमेंट किए हैं, अभी उनके दो फिल्में किए हैं अभी, जिसका नाम है क्यामत से क्यामत तक, जो हमारे मतलब आप सबके चहेते और हमारे तो सबसे ज़्यादा चहेता जो चहेते हैं प्रदीप पांडे चिंटू जी, वो हीरो है। और इसके लिए भी मैं अपना रफीक जी को बधाई दे रहा हूँ कि दो फिल्म और कर रहे हैं और दो फिल्म हम लोग और साथ में कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जब तक मैं इस इंडस्ट्री में रहूँ, शायद मैं तो जब तक नाम मरूँ तब तक मैं चाहूँगा कि मैं इसी इंडस्ट्री में राइटिंग करूँ, और मैं जब तक रहूँ तब तक हमारे रफीक जी के साथ और हमारे चिंटू जी के साथ हमेशा काम करता रहूँ, यही मैं चाहूँगा। कुछ याद है तो आपने कितनी फिल्में लिख दी अभी तक भोजपुरी? मैं भोजपुरी में तकरीबन 35 से 40 फिल्में लिख चुका हूँ, जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हिट भी रही है। अभी भी फिल्में तो चार पांच फिल्में हैं जो अभी रिलीज़ पे है। एक हमारी फिल्म आई थी 2016 में जो सबसे बड़ी हिट हुई थी, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, उसी का पार्ट टू आ रहा है। तो मैं दर्शकों से चाहूँगा कि जब भी मेरी फिल्म आए, बहुत जल्द मेरी फिल्म वो आने वाली है, तो आप सब पार्ट वन को जैसे आप लोग बहुत प्यार दिया था, मैं चाहूँगा इस फिल्म को भी आप लोग बहुत बड़ी हिट करें और ब्लॉकबस्टर फिल्म को बनाएं। लाल जी, राइटिंग बहुत मुश्किल काम है, कैसे कर ले रहे हो? हाँ, मुश्किल तो है, जो चीज़ मुश्किल हो वही करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप